हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम। यह है अपनी हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री की क्लास में ये अपन ने कैप्सूल सीरीज शुरू किया है। कैप्सूल सीरीज के तहत हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट में जैसे किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से अति लघुत्रात्मक आएंगे, कौन से चैप्टर से लघुत्रात्मक आएंगे और कौन से निबंधात्मक आएंगे, तो जिस टॉपिक से जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे और ये क्लास आपको अल्टरनेटिव डेज मिलेगी, यानी आज मिली है कल नहीं मिलेगी और नेक्स्ट डे मिलेगी। कल क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि कल हम हिंदी साहित्य का करेंगे, तो एक दिन हिंदी साहित्य एक दिन हिस्ट्री, ऐसे अपनी ये क्लास रहेगी। और हिंदी साहित्य में भी कैप्सूल सीरीज के तहत हम फिर से जो है वो उसका कंप्लीट रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है अपनी पहली क्लास इतिहास की, और बीच बीच में आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसको बंद नहीं कर रहे हैं, मॉडल पेपर वाले सीरीज बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कैप्सूल सीरीज के तहत। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी है, अति लघुत्रात्मक, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है इस फर्स्ट चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अति लघुत्रात्मक आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न इस पहले अध्याय से आएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट अपना मटेरियल मिलेगा। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर देना है आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई होती थी। ऑप्शन एक है सैल खड़ी, ऑप्शन दो है मिट्टी, ऑप्शन स है कांसा और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कि जो मोहरें होती थी वो सैल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। सैल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता था जिसे जो है वो उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों से निर्माण कार्य किया जाता था। तो ऑप्शन इसका राइट रहेगा अ सैल खड़ी, इंग्लिश में जिसे हम एल्बेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी थी। ऑप्शन एक है स्नानागार, ऑप्शन दो है राजप्रासाद, ऑप्शन तीन है अन्नागार और ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला है, एक विशाल स्नानागार भी वहां पे मिला है और भी कई प्रकार की चीजें जो वहां पे मिली थी। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत की बात करें तो वो था अन्नागार यहाँ का, और वो था अन्नागार जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रैनरी, और दूसरे स्थान पर फिर स्नानागार था। तो अभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन स अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन एक है राखल दास बनर्जी, दूसरा दयानाम सानी, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा है एस एस राव। तो करेक्ट आंसर आपको बच्चों इसका बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921-22 में दयाराम साहनी ने करी थी। राइट आंसर है ऑप्शन ब, और इसमें भी रहेगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लिश में कंप्लीटली तैयार किया हुआ है, जैसे हु फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो ऑप्शन रहेगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा वासी निम्न में से सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे। वहां पे कुछ पूजा के भी ऐसे प्रमाण मिले हैं, इससे पता चलता है कि वो लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन एक है मातृ देवी की, दूसरा है विष्णु, तीसरा है इंद्र और चौथा है दुर्गा। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा मातृ देवी, क्योंकि मातृ देवी के अलावा इन बाकी में से किसी का भी वहां से कोई प्रमाण नहीं मिला है। मातृ देवी की मूर्ति जरूर मिली है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, और यहां पर देखो लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड द हरप्पंस वर्शिप द मोस्ट, तो करेक्ट आंसर रहेगा मदर गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने चार हैं, एक है अलेक्जेंडर कनिंगम, दूसरा है अर्नेस्ट मैके, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है आर ई एम व्हीलर। तो करेक्ट आंसर रहेगा अर्नेस्ट मैके जो हैं, इन्होंने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें खाली हमने इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, सारे क्वेश्चन नहीं है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के, इंपोर्टेंट अति लघुत्रात्मक और जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न हमने इस क्लास में लिए हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम पर मैं शेयर करूंगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको मैं एक बार दे देता हूँ, अगर कोई नए बच्चे आए हैं तो नंबर नोट कर लीजिए
7079622989। इस नंबर पे आप क्लिक करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि यहां मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य हेतु जल संचयन के रूप में किया जाता था। जल को इकट्ठा किया जाता था, फिर वहां से पानी जो है वो कृषि के उपयोग के लिए काम में लिया जाता था। तो कौन सा है, बनावली, मिताथल, धौलावीरा या राखीगढ़ी? इंग्लिश में भी देखो लिखा हुआ है कि द रिजर्वायर्स फाउंड हेयर वर यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर रहेगा धौलावीरा। ये धौलावीरा गुजरात में है। यहां पे तालाबों का निर्माण करके जल को एकत्रित किया जाता था और फिर उस जल से सिंचाई कार्य किया जाता था। सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हिंदी में वैसे के वैसे ऑप्शन इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है अस्त्र शस्त्र, दूसरा है जहाज, तीसरा है शंख की वस्तुओं के लिए और चौथा है मृद भांड के लिए। तो बालाकोट और नागेश्वर ये दोनों केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र थे जहां पे शंख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन स, शंख की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए ये दोनों केंद्र जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां। अब देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के हमने सात क्वेश्चन लिए हैं। आठवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआती प्रारंभिक बस्तियां हैं वो कैसी हुआ करती थी? तो आंसर आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्राय छोटी होती थी तथा इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी, मतलब छोटी छोटी संरचना ही बनाई जाती थी। तो इंग्लिश में लिखेंगे कि व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आंसर लिखेंगे द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर ऑफन स्मॉल एंड लार्ज साइज्ड, स्ट्रक्चर्स वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो बड़ी साइज के नहीं होते थे, छोटी छोटी आकार की संरचनाएं वहां पे प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नवा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर जो है, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल केंद्र जो है वो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो दो भागों में विभाजित हुआ करता था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। जो दुर्ग होता था वो पश्चिम में बना हुआ होता था और वो कुछ ऊंचाई पर होता था, चबूतरा बना करके उसके ऊपर बनाया जाता था। जो निचला भाग होता था वो पूर्व की तरफ होता था और वो थोड़ा दुर्ग की अपेक्षा नीचा बनाया जाता था। इंग्लिश में भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दसवां कि किन्हीं दो हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, उस बस्ती को पूरी तरह से घेरा हुआ था, किले के रूप में था। तो वो एक तो थी धौलावीरा जो कि गुजरात में है और दूसरा था लोथल, ये भी गुजरात में है। लोथल जो कि एक गोदीवाड़ा था, यहां से विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ में इनका व्यापार होता था, और धौलावीरा जहां पे तालाबों का निर्माण करके जल का संचयन किया जाता था और उसी जल से का काम किया जाता था, कृषि कार्य किया जाता था। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नेम एनी टू हड़प्पन साइट्स वेयर द एंटायर सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड, पूरे किलेबंदी के रूप में थे, तो धौलावीरा एंड लोथल, और ये दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्यारहवां, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके लेखक थे एस एन राव। आंसर रहेगा एस एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सैलखड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? सैलखड़ी का जो पत्थर होता था तो उससे क्या होता था कि वो लोग मोहरे बनाते थे, बहुत ही ज्यादा उपयोगिता थी। तो सैलखड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, इस पर आसानी से कार्य हो जाता था। सैलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके मनके बनाए जाते थे और मनके बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था चन्नूदड़ो। तो आंसर यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द यूजफुलनेस ऑफ एल्बेस्टर स्टोन फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आंसर लिखेंगे कि सैलखड़ी इज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन बट इट वाज इजीली वर्कड, बीड्स वर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग अ पास्ट ऑफ एल्बेस्टर पाउडर इनटू अ मोल्ड। तो उसको सांचे में ढाल करके उसके मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न,
पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन्हीं दो विधियों का प्रयोग कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें पुरातत्वविदों ने वहाँ पे जो सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती थी अदर सभ्यताओं के साथ में, अगर हम तुलना करें दूसरी सभ्यताओं के साथ में, तो सामाजिक भिन्नता का पता करने के लिए एक चीज़ तो थी सवाधानों का अध्ययन, जो वहाँ पे लोगों को जो गाड़ा जाता था उनकी भिन्नता थी वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें उनके साथ गाड़ी जाती थी और वो उससे पता लगता था। दूसरा होता था उनके साथ में जो उपयोगी और विलासिता की वस्तुएं थी, तो उससे भी जो है वो भिन्नता का पता, सामाजिक भिन्नता का पता लगता था। तो ये आप यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ बरियल्स एंड सर्च फॉर यूजफुल एंड लग्जरियस आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऐसे चार भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। तो एक तो थे मृदभांड, इससे पता चलता है कि वहां की सभ्यता कैसी थी, लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, किस प्रकार के बर्तन यूज करते थे, तो मृदभांड। दूसरा है औजार, इससे भी पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार की सभ्यता प्रयोग पसंद करते थे, लड़ाकू थे कि नहीं थे, है ना। आभूषण, कैसी वेशभूषा थी उनकी, सामाजिक जीवन कैसा था, घरेलू सामान से पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जिनसे इन भौतिक साक्ष्यों से जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में मदद मिलती है। इंग्लिश में हमने लिखा है मेंशन फॉर फिजिकल एविडेंसेस दैट हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक तो आपको लिखना है पॉटरी, नंबर टूल्स, नंबर थ्री ज्वेलरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है और इसकी कोई दो विशिष्ट बातें या विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो है वहां की जो मोहरें होती थी जो कि सैलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई मोहर जो है, यह हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। इनकी विशेषताएं देखें तो ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी जो कि एक मुलायम पत्थर होता था, उसको किसी भी आकार में ढाला जाता था, सांचे में उसके पाउडर को ढाला जाता था। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र बने हुए होते थे और ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हुए होते थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो चीजें करी है। इंग्लिश में आपका कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन, राइट एनी टू स्पेशल थिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इट। तो देखो पहले तो आपने लिखना है कि द हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफिशेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सील्स आर मेड फ्रॉम द स्टोन कॉल्ड एल्बेस्टर। और फिर इसको जो है ना, ये सील्स यूजुअली हैव एनिमल पिक्चर्स एंड सिंबल्स ऑफ द स्क्रिप्ट इन इनग्रेव्ड ऑफ देम विच हैव नॉट बीन डेसिफर्ड येट, मतलब जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये है अपना, ये हमने देखो अभी शुरुआत करी है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। बड़े प्रश्न आज हम नहीं करेंगे, बड़े प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसे पसंद अगर आपको आया है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ये क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास होगी और अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी हिंदी की क्लास होती है, उसके बाद इंग्लिश की क्लास होती है, अभी अपना हिस्ट्री के बाद में फिर लाइव क्लास होगी, एक पॉलिटिकल साइंस की और दूसरी ज्योग्राफी की। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।